यहाँ मैं ऋषि प्रसाद सम्मेलन में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं और वासुदेवानंद जी का सत्संग भी है और राम जी भाई जो वहाँ जो पिछले 1987 से आश्रम में है और उनकी पत्नी केसरवा भी आश्रम में, महिला आश्रम में केसरवा है, राणापुर आश्रम संभालती है। ये दोनों पति पत्नी होते हुए भी गजब के ब्रह्मचारी हैं और मैं तो धुलिया के विद्यार्थियों के माँ बाप को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे संयमी व्यक्तियों की देखरेख में जो गुरुकुल चल रहा है उन गुरुकुल में तुम्हारे बच्चे बच्चियां कितने महान बनेंगे उसकी तो कल्पना मैं नहीं कर सकता। और ऋषि प्रसाद के सेवाधारी मैं सेवाधारी के बदले ये बोलूंगा कि सत्संग दान करने वाले पृथ्वी के देवता, अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, जुआदान, विद्यादान सब अपनी जगह पे अच्छा है, ठीक है, लेकिन विद्यादान के बाद भी ऑफिसर करप्ट हो जाते हैं, सुवर्णदान के बाद भी शराबी हो सकता है, कन्यादान के बाद भी शराबी कबाबी चोरी डाका वाला हो सकता है, लेकिन जो ऋषि मुनियों का सत्संग ऋषि प्रसाद का दान करते हैं उसका दान तो भाई गजब का है, उनको सेवादारी कहे अथवा सत्संग दाता कहे, सत्संग दानी कहे, जो भी कहना हो कहो अथवा जो भी उनको सुनाना है सुनाओ, उनको अपनी सेवा में जो आनंद आता है जो उन्नति होती है। अभी सम्मेलन वालों को सबसे खूब खूब बधाई देना, धन्यवाद देना और केसरवा केसर बापू के राणापुर में क्यों और उनका आदर हो रहा है क्योंकि पति पत्नी आदर के योग्य है, राम जी चौहान और उनकी पत्नी शादीशुदे होते हुए भी इतने वर्षों से वो भाइयों के आश्रम में और महिला आश्रम, ऐसे दूसरे भी कई बहने हैं सत्पात्र और उनको तो पता है ज्ञान योग शिविर का भी आपको अनुभव भी होगा वासुदेवानंद ध्यान है और भी कई है बेटे बेटियां जिनके कारण मैं 6 साल महीने होने के बाद भी मेरे सभी आश्रम विश्वास फैल रही है और विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, सत्संगी बढ़ रहे हैं, ये ऐसे सत्पातों के कारण। कई ब्रह्मचारिणी बच्चियां हैं, कई ब्रह्मचारी महिलाएं हैं, कई ब्रह्मचारी आश्रम आश्रमवासी हैं, उन सभी को मैं हृदय पूर्वक खूब खूब स्नेह करता हूँ। मैं तो रहता हूँ तो मुलाब होकर मैं तो जमा मना जा कल तुम्हें चाहती थी सफल नानक जी को दो बार जेल में दिया, लेकिन अभी दुनिया जानती है नानक जी की महानता और धकेलने वालों की नीचता। मैं सबका मंगल चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को ये कहता हूँ कि माघी पूनम का स्नान चुकना नहीं, सूरज उगने के उन्हें 2 घंटे पहले ही जग जाना उचित है, नहीं तो सूरज उगने से 40-45 मिनट पहले माघी पूनम का स्नान जरूर करना, आपके कीचड़ों को छुपा देता है, पुण्यों के द्वार खोल देता है और भगवत प्राप्ति में सहायता करता है। हरि ओम 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 हरि ओम आनंद ओम माधुर्य ओम जय जय। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, बद होना बुरा नहीं है लेकिन बद कार्य करना बुरा है, सत्कामी तो महापुरुषों के भी होती है लेकिन बद कार्य से बचे, ऐसे मेरे साधकों को मैं खूब खूब स्नेह करता हूँ, बचे हुए इसीलिए तो प्यार कर रहा हूँ, चाहे रामा भाई हो चाहे दरबार भाई हो, सब पत्नी होते हुए भी पत्नी महिला आश्रम में और पति बापू के आश्रम में, ऐसे भारतीय बेटी भी जोरदार है, जो कन्याएं महिलाएं उनके संपर्क में आती है वो भी संयमी और सरल हो जाती है, भारती की माँ का भी सद्गुण मुझे पसंद है और भारती के